हाय फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने 7 नंबर का क्रोशा लिया है और 2 प्लाई का वूल लिया है। सबसे पहले हमें ऐसे एक फंदा बनाना है। अब इसमें हम चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए 25 चैन बना के इसके ऊपर हम 25 फंदा बनाएंगे। देखिए हर चैन पे हमें एक एक फंदा बनाते हुए जाना है। देखिए इसकी नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे, अब इसकी नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हम 25 फंदा बनाएंगे। देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 फंदे के ऊपर हमें 5 फंदा बनाना है, 1 2 3 4 5। अब 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदा छोड़ के हमें इसमें 5 फंदा बनाना है। देखिए इसी एक फंदे में हमें 5 फंदा बनाना है, ये फिर से इसी में बनाएंगे। दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 फंदा छोड़ के अब यहाँ पे हम फंदा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसे हम पलट लेंगे। अब इस 5 फंदे के ऊपर हम 5 फंदा बनाएंगे। अब देखिए 5 फंदा बनाने के बाद 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम देखिए इस फंदे में 2 फंदा बनाएंगे, फिर से हम इसी में बनाएंगे 2। अब यहाँ पे भी हम 2 फंदा बनाएंगे, 1 2। अब इसमें भी हम 2 फंदा बनाएंगे, 1 2। अब इसमें 2 फंदा बनाएंगे, 1 2। अब इसमें 2 फंदा बनाएंगे, 1 2। देखिए इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदा हो गया है। अब 4 चैन, 1 2 3 4। अब यहाँ पे इस 5 फंदे के ऊपर 5 फंदा। अब इसे हम पलट लेंगे और इस 5 फंदे के ऊपर हम 5 फंदा बनाएंगे। अब देखिए 5 फंदा बनाने के बाद 1 2 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने इसमें एक फंदे में 2 फंदा बनाया है, हमें उसी तरह से बनाना है। हर एक फंदे में हम 2 फंदा बनाएंगे। ठीक है, इसी में हम एक फंदा और बनाएंगे,
देखिए एक दो, अब इसमें भी हम दो फंदा बनाएंगे, तीन, फिर से उसी में बनाएंगे, चार, अब इसमें भी दो फंदा, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे बीस फंदा बनाना है। अब दो चैन, एक दो, अब इस पांच फंदे के ऊपर हम पांच फंदा बनाएंगे। अब पांच फंदा बनाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन तीन लाइनों में कंप्लीट हो जाती है। अब जो ये नीचे वाली लाइन है, पहली लाइन, इसी लाइन को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। तो पहले हम इस पांच फंदे के ऊपर पांच फंदा बनाएंगे। देखिए पांच फंदा बनाने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, देखिए दस फंदा इस साइड में करना है और दस फंदा इस साइड में। अब यहाँ पे हम पांच फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः चैन। अब यहाँ पे पांच फंदे के ऊपर पांच फंदा। देखिए इस तरह से ये बनेगा। अब देखिए इसी तीन लाइनों को हमें रिपीट करते जाना है। एक लाइन हमने यहाँ पे बनाया है, अब ये दो लाइन हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो जितनी बड़ी पट्टी आपको बनानी है, आप इसी तीन लाइनों को रिपीट करते हुए जाइए। देखिए जब इस तरह से हम पूरी पट्टी की लंबाई बना लेंगे डिज़ाइन को रिपीट करते हुए, तो उसके बाद लास्ट में हमें एक लाइन इसी तरह से बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पर फंदों को सेट करके यहाँ पर बता देती हूँ। बाकी जब आपकी पट्टी पूरी हो जाए, जितनी लंबाई आपको बनानी है, तो एक लाइन आप इसी तरह से बना लीजिएगा। अब देखिए इस पांच फंदे के ऊपर हमें पांच फंदा बनाना है, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए जो जाली है इसे हमें छोड़ देना है। अब हम यहाँ पे फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ पे एक दो फंदा छोड़ के इसमें हम ऐसे फंदा बनाएंगे, एक हम नेक्स्ट वाले फंदे में, दो तीन चार पाँच। अब एक दो फंदा छोड़ के इसमें फंदा बनाएंगे, एक अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे में, दो तीन चार
5। अब ये जाली हम छोड़ देंगे और इस 5 फंदे के ऊपर हम 5 फंदा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इस तरह से ये बन गया है। हमने यहाँ पे जितने फंदे रखे थे यहाँ पे उतने फंदे बन गए हैं। तो इसी तरह से एक लाइन लास्ट में बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।